नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर शहर में लगातार आत्महत्याओं के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों का सामने आया है, जहां युवकों ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच में जुटी है। पहला मामला इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का है, जहाँ गोलू नामक युवक जो रेडीमेड की दुकान पर काम करता है, जिसने अपने ही घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी है। गोली मार दिया। कितनी उम्र थी? 30 बच्चे। क्या काम करता था ये? कपड़ा मार्केट में। तो सुसाइड का कारण क्या रहा भाई? कोई तो नहीं मालूम पड़ा था। कोई सुसाइड नोट मिला युवक के पास? कुछ भी नहीं मिला। कभी कुछ बताया आर्थिक तंगी, पारिवारिक विवाद जैसा कुछ बात सामने आई? देखते बता नहीं जा रहा, पता करते नहीं। कभी विवाद विवाद हुआ करते? हाँ, वहाँ से झगड़े घर के आए थे, उनके घर के जैसे झगड़े घर के था, घर पे विवाद चलता। चलो ठीक है, आपका नाम? दीपक सोलंकी। आपके लगते हैं भांजे। दूसरा मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में विजय नामक युवक ने अपने घर में ही अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। परिजन के बयान के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि युवक ने फांसी क्यों लगाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर, एक मर्ग कायम हुआ, इस प्रकार का पूरा घटनाक्रम क्या नाम बताते सामने? दिनांक 2/6/2023 को जिला अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम विजय है, उम्र लगभग 25 साल है, इन्होंने अज्ञात कारणों से घर पर फांसी लगा ली है। इनके भाई इनको मृत अवस्था में जिला अस्पताल लेकर गए थे और इस पर से सूचना पर से मर्ग कायम कर लिया गया है और आज PM कराया गया है इनका और मर्ग जांच में लिया गया है। आरोपी सर, सॉरी, क्या काम करता था? ये ऐसा मजदूरी वर्ग से संबंधित है और प्राइवेट काम करते थे। तीसरा मामला इंदौर के सिमरौल थाना क्षेत्र का है, जहां रामलाल नामक युवक, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, जहां युवक लंबे समय से अपने माँ बाप को छोड़कर मूसाखेड़ी क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहा था। युवक को घूमने फिरने का शौक था और परिजन लगातार घूमने फिरने पर रोक लगाते थे, जिससे वो परेशान रहता था, जिसके चलते वो घर से अलग रहता था। लेकिन किसी अज्ञात कारण के चलते युवक ने घर के पास एक झाड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी है। ये हमारे मौसी का लड़का है। क्या नाम है? रामलाल उमेश मुजाल दे। कितनी उम्र थी? 22 वर्ष। क्या काम करता था ये? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। क्या कारण था? पता नहीं सर, अभी कुछ टाइम से घर पे नहीं आ रहा था, वो रूम से रह रहा था मूसाखेड़ी में। अभी कभी आता है डे नाइट में, घर नहीं आता है। अलग क्यों रह रहा था, कुछ कारण? ऐसे ही सर, घूमना फिरना उसका शौक था, इस कारण वो रह रहा था बाहर ही। तो अभी सुसाइड कहाँ पर करा इनने? लाल घाटी दत्तुदा खंडवार। क्या कारण क्या रहा, मतलब क्या परिवार वालों ने रोक टोक लगा रखी थी उसके चलते? नहीं नहीं सर, वो घर पे तो आता ही नहीं था, वो बाहर ही रहता था। कोई कर्जा वर्जा इस प्रकार की? कर्जा सर पता नहीं, वो तो हमको भी। ठीक, आपका नाम? अनिल जमरे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।